न्यूज नेशन अपनी इस खास मुहिम में आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों की पोल खोल रहा है और आज हम मोखरा सोमनाथ के माया जाल का कच्चा चिट्ठा भी खोलने वाले हैं। मोखरा सोमनाथ ने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शराब छुड़वाने के लिए पीड़ितों को शराब ही वो पिलाती हैं और इसके साथ साथ तंत्र मंत्र की शक्ति से हर बीमारी भगा देने का दावा करती हैं। देखिए, एक ऐसी महिला जो किसी भी तरह का नशा छुड़वाने का करती है दावा। एक ऐसी महिला जो नशा करवा कर करती है नशा छुड़वाने का इलाज। बिना पानी मिलाए अगर इसका घर जाके भी मन करता है तो देनी है, घर जाके मन नहीं करता है तो इसको दारू नहीं देनी है। वो महिला जिसके पास कथित तौर पर ड्रग्स से लेकर धूम्रपान का है इलाज, प्रोसीजर वही है जो हम दारू के साथ करते हैं, पर क्या होता है स्मैक और चिट्टा और गांजा और अफीम और सुल्फा या कोई और ड्रग्स इंजेक्शन वगैरह लेता है, वो क्या पता एक बार में आने से ना छूटे, तो दोबारा जब आते हैं ताका बनवाने के लिए तो दोबारा उसको पढ़ के दिया जाता है, तो दोबारा में तो उसका छूटना ही छूटना है। वो महिला जो अपने को डॉक्टर से भी मानती है बड़ा, क्योंकि वो भक्तों को झाड़ फूक से हर तरह की बीमारी से छुटकारा दिलाने का करती है वादा। चमत्कार ये है कि मैंने कर रखा है तप, जैसे डॉक्टर अपनी पढ़ाई करते हैं वैसे मैंने अपना तप कर रखा है। 24 साल मेरी उम्र हुई है, इतनी तपस्या कर ली है, जो जति गुरु गोरखनाथ की सभी तपस्याएं होती हैं वो सभी तपस्याएं मैंने करने लग रही हूँ हर साल। भूत प्रेत हो या फिर जादू टोना, ये महिला एक मुट्ठी चीनी से हर निगेटिव एनर्जी से मुक्ति दिलाने का करती है दावा। जब चीनी के हम कुछ दाने देखते हैं उस टाइम अपनी आंखें बंद करते हैं, बंद करने के बाद सिक्स सेंस जिसको छठी इंद्री कहते हैं वो जागृत होती है, यानी जो तब से ही जागृत होती है, एक ही जागृत ना होया करे। ये महिला है मोखरा सोमनाथ। सोमनाथ ने हरियाणा के मोखरा गांव में आश्रम बना रखा है और यही उनका दरबार लगता है। मोखरा सोमनाथ का दावा है कि वो किसी भी तरह के नशे की लत छुड़वा सकती हैं। इसलिए आश्रम में ऐसे लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है जो अपनी शराब की लत छुड़वाने के लिए पहुंचते हैं। जो भी लोग सोमनाथ के दरबार में पहुंचते हैं उन्हें अपने साथ शराब की 2 बोतल लाने के लिए कहा जाता है। ये उसी ब्रांड की शराब होती है जिसे पीने की लत पीड़ित व्यक्ति को होती है। अब हम आपको वो पूरी प्रक्रिया दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए शराब की लत छुड़वाने का कथित दावा किया जाता है। पहले तो पीड़ित की ओर से लाई गई शराब की 1 बोतल मोखरा सोमनाथ के हाथों में दी जाती है, जिसके बाद सोमनाथ पीड़ित का नाम पूछती है और मंत्र पढ़कर शराब की बोतल में फूंक मारती है। मंत्र से शराब को सिद्ध करने के बाद मोखरा सोमनाथ उस शख्स को अपने ही हाथों से शराब पीने के लिए देती है जो उनके यहाँ शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए पहुंचा है। इस बीच मोखरा सोमनाथ शराब की बोतल में अपने पास रखी एक खास भभूत को मिलाती है। ये भभूत गाय के घी, उपले और नारियल का है। पीड़ित शख्स को एक के बाद एक बिना पानी मिलाए 4 गिलास शराब पिलाई जाती है। आश्रम में आने वाले लोगों को कहा जाता है कि अगर शराब की लत छुड़वानी है तो एक बार फिर
दरबार में हाजिरी लगानी होगी। शराब छुड़वाने की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा होने के बाद पीड़ित शख्स को घर जाने को कहा जाता है, लेकिन घर पर रहने के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। बोतल आपको वापस दी जाएगी, इस बोतल में पानी मिला के घर जाके नहीं पीना। यानी पीड़ित शख्स को ये छूट दी जाती है कि दोबारा दरबार में आने से पहले वो मन करे तो शराब पी सकता है। इसके बाद नशा मुक्ति की प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें पीड़ित शख्स को हाथ में लाल धागा बंधवाना होता है। इसके बाद नशा मुक्ति की साधना संपूर्ण होने का दावा किया जाता है। मोखरा सोना सिर्फ शराब की लत ही नहीं छुड़वाती है, उनके पास ड्रग्स और धूम्रपान की लत से परेशान लोग भी पहुंचते हैं। सोमनाथ का दावा है कि वो ड्रग्स और धूम्रपान की लत छुड़वा सकती हैं। तो आपने ये जो विश्लेषण देखा, इससे आप एक बात तो समझ गए होंगे कि आज ऑपरेशन पाखंड में हमारे साथ जुड़ने वाली मोखरा सोमनाथ क्या करती हैं, वो कैसे नशा मुक्ति केंद्र चला रही हैं और कैसे शराब पिलाकर शराब छुड़ाने का दावा कर रही हैं। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य किसी की आस्था, किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर इसी आस्था के नाम पर किसी के साथ अंधविश्वास किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ छलावा किया जा रहा है, तो उसका खुलासा हम करेंगे। इसलिए हम उस तथ्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और इस कड़ी में आज हमारे साथ मोखरा सोमनाथ हैं। मोखरा सोमनाथ जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस मंच के माध्यम से, न्यूज़ नेशन के मंच के माध्यम से, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप हैं क्या, आप करती क्या हैं। आदेश जी, मैं मोखरा साध्वी सोमनाथ, मैं फिलहाल नरेड़ा गांव, पटौदी तहसील और जिला गुड़गांव में रह रही हूँ। मैं सभी प्रकार की बीमारियों के झाड़े लगाती हूँ और सभी प्रकार का नशा छुटवाती हूँ और निसंतान महिलाओं को मैं फल देती हूँ। ये बता सकती हैं कौन कौन सी बीमारियाँ आप छुड़वाती हैं? हाँ जी, देखिए जी, शरीर में चाहे कोई भी रोग हो, लेके सर से लेके पांव तक कोई भी रोग हो इंसान के, उन्हीं सभी प्रकार की बीमारियों का मैं झाड़ा लगाती हूँ। जो आपके पास नशा छुड़वाने के लिए आते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन आप ऐसा क्या करती हैं कि लोग आपके पास आते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या आपकी पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, मेरे को नहीं पता आप में से क्या पूछना चाहती हैं, पर मैं अपनी प्रक्रिया बताती हूँ कि मेरी क्या प्रक्रिया है। जो लोग यहाँ नशा छुटवाने के लिए आते हैं, वो अपने साथ जो वो बोतल पीते हैं, इंग्लिश पीते हैं या देसी पीते हैं या कोई कच्ची पीते हैं, जैसे भी वो लोग पीते हैं या फिर वो जिस भी प्रकार का नशा करते हैं, वो नशा अपने साथ लेके आते हैं। और उस बबूत का इतना फ़र्क है कि उसको जब मैं डाल के पिलाती हूँ तो मैंने कम से कम एक लाख लोगों की दारू छुटवा दी है, और स्मैक और चिट्टा गांजा अफीम मैंने छुटवा दिए हैं। लेकिन दो प्रश्न मेरा पीछे अधूरा रह गया था। मैं पहला ये समझना चाहता, ये जो आपने झाड़ा करवाती हैं, जो आपने कहा, ये क्या, जिसको अगर मेडिकल टर्म में समझे, इलाज, ट्रीटमेंट, ठीक कर देना, यही है ना, ये झाड़ा करवा देना? तो किसी भी तरह की सर से लेकर पांव तक का आपने कहा, यानी असाध्य रोग जिसको कहा जाता है, जो वो सारे इलाज आप कर देती हैं? मैं माइग्रेन का झाड़ा लगाती हूँ, गले में कोई भी रोग हो, किसी की आँख में कोई तकलीफ हो, हाथ पैरों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पथरी का मैं झाड़ा लगाती हूँ, और कैंसर के मरीज का भी मैं झाड़ा लगाती हूँ। पर मैं ये दावा नहीं करती कि कैंसर का मरीज यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाएगा। अच्छा। पर मैं ये कह सकती हूँ कि बबूत जब कई बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाई जाती है, क्या पता उससे कोई ऐसा तत्व बनता हो आपकी मेडिकल साइंस को देखते हुए कि उसको खाने के बाद उसके दर्द में आराम हो जाता है। क्योंकि आज सुबह भी एक मरीज आया था, उसने भी अपनी बाइट दी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि जो भी यहाँ आया है उसमें से अगर 100 मरीज कैंसर के आ रहे हैं तो उसमें से 95 लोगों का जो कैंसर बढ़ रहा है, यानी कि आप लोग थेरेपी वगैरह करते हो या भाई जो भी कीमो वगैरह लगाते हो, जो भी आप करते हो, उसके करने के बावजूद भी उसको आराम नहीं हो रहा, तो रोकथाम जरूर हो जाएगी धाम पे आने से। क्योंकि बबूत जो तैयार होती है वो कई चीजों से तैयार होती है। किन किन चीजों के हिसाब से देखें, अगर बबूत के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि ये पूरा बबूत का ही असर बता रही है जिससे आप इलाज करती है, तो इस बबूत में क्या क्या है? इस बबूत के अंदर है नारियल डाला जाता है, गोड़ा डाला जाता है जो कि सूखा गोड़ा होता है, जो केड़े का यहाँ प्रसाद चढ़ता है वो डाला जाता है, जो लड्डू चढ़ते हैं यहाँ पे वो डाले जाते हैं, घी डाला जाता है, गाय का सामग्री डाली जाती है, और गाय के उपड़ों से ही चेतन, यानी कि उपड़ा जिसको आप समझते हो, गाय के उससे ही चेतन किया जाता है ये धूणा। इतने से उपड़े में और एक चम्मच घी अगर हम डालते हैं गाय का और उसको चेतन करते हैं, यानी कि उसको जड़ाते हैं, तो 96% ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बढ़ती है, 46% वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो सोचिए, धूणे में तो 5-5 उपड़े लगाए जा रहे हैं, तो एक तरीके से वातावरण को भी शुद्ध किया जा रहा है, अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो। अच्छा सोमनाथ जी, ये भी बताइए,
एक और दावा किया जा रहा है कि शराब पिलाकर आप शराब छुड़वाती हैं, ये कैसे मुमकिन है? देखिए जी, जो बोतल होती है उसके सिर्फ 4 ही पैक दिए जाते हैं, वो आपके ऑन कैमरा हमने दिखा दिए थे कितने कितने दिए जाते हैं, इतने इतने ml दिए जाते हैं वो, यानी कि लगा लो आप 20 से 25 ml तक दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस जहर को जहर ही काटता है। जो हमें गुरु उपदेश मिला था कि जो हमारे गुरु जी थे वो भी इस तरीके से ही अपना प्रक्रिया करते थे, उसी प्रकार हमें सिखाया गया था, और जो हमें सिद्धि दी गई थी इसकी, दारू छुटाने की, नशा छुटाने की, मेरे को पूरे देश से नशा खत्म करना है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े तो मैं अपने इस भारत देश से, तो और बाहर से भी कोई आएगा तो उसका भी, इस नशे को मैं बिल्कुल ख़त्म करूंगी। और मेरा प्रोसीजर यही है कि मैं दारू पिला के ही दारू छुटाती हूँ, स्मैक पिला के ही स्मैक छुटाती हूँ, चिट्टा पिला के ही चिट्टा छुटाती हूँ, और भी कोई नशा करता है तो उसको वही नशा पिला के नशा छुटाती हूँ। सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, उसमें भी बबूत डाली जाती है और बाबा का नाम लिया जाता है और उसका नशा छूट जाता है। अच्छा मोखरा सोमनाथ, बहुत सोमनाथ जी, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं या फिर उनको लेकर क्या विवाद है, वो भी अब वो 1-to-1 करेंगे, इसलिए हम जो है उनको भी आपके साथ जोड़ रहे हैं। दो मेहमान अभी हमारे से जुड़े हैं, डॉक्टर अभिनव हैं, ये न्यूरोसर्जन हैं, क्योंकि जिस बात को आपने कहा ना, क्रेविंग की एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के थ्रू नशे की लत को छुड़ाया जाता है, वो क्रेविंग कम की जाती है, और आप कह रही हैं कि आप क्रेव बढ़ाती हैं दारू को छुड़ाने के लिए, दारू पिलाती हैं, और साध्वी विश्वरूपा हैं जो सनातन को जानती हैं और धर्मगुरु के तौर पे, तो वो अब से जो पहलू आपने रखा मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा। साध्वी विश्वरूपा, जो बातें ये कह रही हैं आप इत्तेफाक रख रही हैं? प्रथम तो मैं अपनी भारत भूमि को नमन करती हूँ कि यहाँ सदैव से चमत्कार होते आए हैं और हमने सुने हैं, पढ़े भी हैं, हमारे ग्रंथों में भी हैं, परंतु मैं यहाँ कुछ चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ये बिल्कुल भी ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि किसी को कोई शराब छुड़वाई जाए तो उसको उसी ब्रांड की शराब, ये बड़ा अजीब सा एक अनोखा सा एक प्रक्रिया है कि आप जिस चीज़ को छुड़वा रहे हैं उसी को पिला के छुड़वा रहे हैं। ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब किसी को अट्रैक्शन पाना होता है, किसी को आकर्षित करना होता है, तो कुछ अलग हरकतें करते हैं लोग, तो हो सकता है निसंदेह कि उस स्थान पे उस धाम में, ये लाइन में नहीं समझ पाया आपने क्या कहा, अट्रैक्शन पाना, यानी किसी तरह से भी आप सुर्खियों में आना चाहते हैं तो कुछ अलग करते हैं, तो आप इन पे आरोप लगा रही हैं, आप इन पर आरोप लगा रही हैं कि ये जो कर रही हैं ध्यान खींचने के लिए, कि जब लोगों को अट्रैक्शन आकर्षित करना हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर सीधा वो भभूत उठा के देती, हो सकता है उस भभूत में, क्योंकि ये जाना जाता है कि जो हमारा भारत वर्ष है सदैव औषधियों के लिए जाना जाता है, आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, 100% उसमें निश्चित रूप से कुछ होगा ऐसा कि जिससे लोगों की क्रेविंग खत्म होती है, परंतु ये शराब पिला के उसी ब्रांड की शराब, शराब तक नहीं है, उन्होंने कहा ना कि कई बीमारियों का इलाज जो भी, अब ये बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि किसी झाड़े से कोई बीमारी ठीक हो जाती नहीं, क्या? मुझे लगता है सोमनाथ जी का जवाब इस पर ले लेना चाहिए। सोमनाथ जी, वो कह रही हैं कि आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सब करती हैं। पहले तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। साध्वी जी ने जो भी बात कही है उस बात पे मैं बात कहना चाहूंगी, ये बात कहना चाहूंगी कि अपने अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अट्रैक्शन क्या होता है बढ़ाने के लिए, जब हम जो काम कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, लोगों की भीड़ जोड़ रही हैं, अपने आप भीड़ बुला रही हैं, तो कोई ना कोई अलग तरीका तो कर रही है ना। आप ये बताइए, आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए को कि ये तो अजीब सा तरीका है, तो फिर उसमें आराम भी तो हो रहा है मैडम, आराम है, तो देखिए आराम के आराम का तरीका मैं बताती हूं। 1% भी किसी को आराम नहीं होता है, तो फिर उसको आराम का तरीका मैं आपको बताती हूं कि जब आप किसी को कोई आपके पास आता है 100% वो छोड़ने के लिए ही आ रहा है, जब वो आपको ढूंढ रहा है, आपके धाम पे आ रहा है, तो उसको छोड़ना चाहता है वो, मानसिक रूप से उसकी विल पावर स्ट्रांग हो चुकी है, वो इसीलिए आपके पास आ रहा है। साथ ही साथ उसे पता है कि यहाँ साध्वी जी मेरा ये शराब छुड़वा देंगी। अब वो तरीका आपका चाहे कोई भी हो, बरगला रही है लोगों को, पागल बना रही है, या थोड़ा सा अजीब सा तरीका है, जब हमने सुना हमें भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम भी धर्म के लिए काफ़ी समय से कान कम कर रहे हैं, अपने ग्रंथों को पढ़ा, अपने वेदों को पढ़ा, और शैल्य चिकित्सा को हम जानते हैं, मंत्र चिकित्सा को हम जानते हैं, परंतु ये शराब चिकित्सा हमने पहली बार सुनी। तो मतलब आप सीधा सीधा इनके पूरे प्रोसेस पे सवाल उठा रही हैं? थोड़ा अजीब प्रोसेस है तो जी, मैं तो इसी तरीके से शराब छुटाती हूँ और छुट भी जाती है, शराब नहीं, ये देखिए मानसिक रूप से, मानसिक रूप से आप समझिए, मैं इसी को चलाऊंगी आके, इसको आप अट्रैक्शन समझिए या कुछ भी समझिए। मुझे लग रहा है डॉक्टर आपत्ति जता रही है, एक मिनट डॉक्टर के पास जाने से पहले, उस पर आपत्ति जता रही है वो ना, वो कह रही है कि ये प्रोसेस जो है वो गलत है, उनका मंत्रों से बहुत सारा उपचार हो सकता है। आज आप इस पे अगर इस ऑपरेशन पाखंड में है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान सभी पर है, तो हम चाहेंगे अपने धर्म में जो है, अपने वेदों में है,
क्योंकि आप गीता को भी उठा के देख लीजिए, कहीं भी आप किसी भी हम पुराण को देखते हैं तो वहाँ कर्म को और सत्यता को ही जगह दी गई है। तो बिल्कुल ये जो आप एक जो सोच आप कह लीजिए या ये पाखंड कह लीजिए जो ये फैला रही है, ये सभी पर पाखंड शब्द का आप इस्तेमाल कर रही हैं इस क्रिया पे। वो कह रही है कि 1,00,000 से ज्यादा लोगों का उन्होंने इलाज कर दिया है। मोखरा सोमना जल्दी से जवाब दे दीजिए। रोहित जी, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैंने जैसे पहला आपने मेरा शब्द सुना होगा कि वही 1,00,000 लोग आएंगे जो छोड़ना चाहते हैं, आज वो आपके पास भी आएंगे और कहेंगे रोहित जी मुझे ये कार्य करना है, तो 100% से मानसिक रूप से उसको समझाना होगा। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, बात करिएगा कि जिसके विल पावर स्ट्रांग होती आपने है। आपने जो आक्षेप लगाए हैं एक बार उसका जवाब भी तो देने का उनका अधिकार बनता है। जी, मोखरा सोना जी, पाखंड, ध्यान खींचना और ये तरीका गलत, ये तमाम तीन बातें अभी तक के लिए आपके लिए। कोई बात नहीं, इनको लग रहा है तो पाखंड कर रही हूँ, पर मैंने 1,00,000 लोगों के घर तो बसा दिए। इन्होंने कौन से घर बसाए हैं? इन्होंने मंत्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, इन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा है। आप एक बात सुनिए, एक बात सुनिए साध्वी जी, मैं भी नशा मुक्ति के काम करती हूं, शास्त्र वेद पुराण सब कुछ पढ़ रखा है, पर आपने कौन सा एक भी घर बसा दिया? मैंने तो 1,00,000 लोगों के घर बसा दिए, उसके मेरे पास लिखित में रिकॉर्ड मौजूद है। मैडम जी, आप अपना बताइए ना कि आपके पास क्या रिकॉर्ड मौजूद है? उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ। फिर उनसे हो जाता है उनका, हो जाता है उनका, कुछ इसी का, एक का भी नशा छुटा है आपके प्रवचनों से? आज का युग प्रवचनों का नहीं करके दिखाने का है, अगर करके दिखाओ। आपका स्वागत है हमारे आश्रम में, ठीक है, तभी कुछ होगा। दो चार किताबें पढ़ने से सब कोई ज्ञानी बन जाता है, जो ना पढ़ता है उसको दूसरा बेवकूफी लगता है। हम ब्रांड की शराब पिला के नहीं छुटाते, हम कोई ऐसा दावा नहीं करते हैं कि हम एक उसको दारू पिला के ही हम शराब छुटाएंगे। इसमें आपको बुरा लगता है तो हम क्या करें? आपकी बुराई का हमारे पास कोई इलाज थोड़ी है। बुरा सभी को लगेगा, बुरा सभी को लगेगा, क्योंकि अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, परंतु तरीका तो सही अपना। मैंने तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, मुझे जो अपना नशा मुक्ति अभियान चलाना है उसको मैं एंड तक, जब तक मेरे अंदर सांस है मैं इस नशा मुक्ति अभियान को चलाऊंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। औषधि हो, परंतु ये पहले आप उन्हें स्मैक पिलाएंगे, आपको धुने का महत्व पता है? आपने मुझसे इतने सवाल किए हैं, आपको धुने का महत्व पता है? आप एक खुद साध्वी हो, आपको महत्व पता है? आप महत्व, मैं तो उसका महत्व बता ही रही हूँ, मैं तो धुने पे तो मैं तो सब कुछ करूंगी, आप बताइए आपको धुने का महत्व पता है? धुने पे तो सवाल ही नहीं उठा रही मैं, सुनिए, मैं धुने पे सवाल नहीं उठा रही, मैं तो आपके तरीके आप धुने के लिए बोल रहे हो कि बबूत क्या होती है, बबूत क्या होती है? आपको ये नहीं पता कि बबूत क्या होती है? फिर आप क्या सनातन धर्म में और क्या आपको ज्ञान है वेद पुराणों का शास्त्रों का? सुनिए, मैं तो आपने बोला, आपने बोला कि बार बार बबूत के ऊपर ही बातें कही जा रही हैं। जो ब्रांड पिलाती है उस पे मेरा सवाल है, अदरवाइज आप गांजे वाले को गांजा पिलाती है इस पे, ये थोड़ा अजीब है, इस बात के लिए हमने बोला। मैडम, सबका तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। सोमनाथ जी, आपने अभी बीच में एक सवाल किया था कि पाखंड का मतलब भी आप जानती हैं। सोमनाथ जी, आप ये बताइए कि पाखंड और आपके इलाज का तरीका ये अलग कैसे कैसे हैं? आपकी नजर में पाखंड की परिभाषा क्या है, ये बता दीजिए। पाखंड, इनसे पूछिए कि क्या होता है, आप बता दीजिए। नहीं, पहले आप इनसे पूछिए कि पाखंड होता क्या है। यही तो बता रहे हैं हम, तो यही बता रहे हैं। जिनने मुझसे सवाल किया है, तरीके को पाखंड बता रही है, आपके तरीके को पाखंड बता रही है, इसलिए तो आपका तरीका और पाखंड दोनों अलग अलग कैसे हैं? तो मोखरा सोमनाथ को आपने सुना, देखा, उनके तर्क भी आपने सुने। उन तर्कों पे हो सकता है बहुत सारा प्रश्न है, मेडिकल इतिहास में अगर जाएं या फिर मेडिकल टेक्नीशियन के पास जाएं या फिर डॉक्टर्स की बात करें तो वो कोई भी इनको सही नहीं मानेगा। बिल्कुल, और सही क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये दावा करती हैं कि ये एक दिन में नशा छुड़वा देंगी, और मेडिकल साइंस मांगता है कि इसमें महीनों का प्रोसेस जो है वो लगता है। ये कहती हैं कि इन्होंने 1,00,000 परिवार जो हैं वो बचा दिए हैं, क्योंकि ये 1,00,000 मरीजों को ठीक कर चुकी हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और सुनिए कि इनके दावों में कितनी सच्चाई। मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा ना कि नशे को काटने के लिए नशे का इंजेक्शन तो मेडिकल साइंस में भी दिया जाता है, तो वो अगर कर रही है तो गलत क्या कर रही है? नहीं नहीं, नशे को काटने के लिए वो इंजेक्शन नहीं दिया जाता, कोई भी नशे को काटने के लिए इंजेक्शन किसी भी मेडिकल साइंस में तो क्रेविंग कम की जाती है। अल्कोहल आप दे ही नहीं सकते, आप किसी को भी आईवी अल्कोहल तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। आप अल्कोहल कौन सी दवाई में दिया जाता है? किसी भी दवाई में नहीं दिया जाता। जो भी आपका जो जितने भी लोगों को हम ड्रग्स छुड़ाते हैं, दिए जाते हैं दवाइयों में। हाँ जी, बोलिए बोलिए मोखरे जी, बोलिए। ड्रग्स क्यों दिए जाते हैं दवाइयों में? ड्रग्स तो नाम है दवाइयों का, नाम उसको इंग्लिश में ड्रग्स कहा जाता है।
धुने की बबूत में ही ये लोग दवाई मिलाते हैं। तो आप लोगों के जो ये चैनल वाले हैं, इनसे भी मैंने कहा, और मेरी तो एक कोई स्पेशली इस चैनल पे नहीं, पूरे ऑल इंडिया में इंस्टाग्राम ज्यादा चलता है, उसपे ज्यादा रील चलती है मेरी, उसपे भी आप देखिए कि हम कौन सी दवाई मिला रहे हैं। और रात को या दिन में आप तो एक डॉक्टर हो, कभी भी अपनी टीम लेके आइए और चेक कराइए, जब झाड़ा चल रहा हो उस टाइम पे चेक कराइए, मेरे सामने सैंपल लीजिए और मेरे सामने बंद कीजिए उसको, और फिर उसको चेक करिए कौन सी दवाई मिलाई है इसके अंदर, अगर उस टाइम सब कुछ झूठा निकला तो। मैडम मैंने ये कहा है कि आप जितनी सारी दवाइयाँ, जिन सारे लोगों को, 100 लोगों को दवाई देते हैं, उसमें से 10 लोगों को फ़ायदा ज़रूर होता होगा, और वो 10 लोग ही आपका नाम बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में आप जब आप अपने इंस्टाग्राम पे या कभी, 100 में से 90 लोग ठीक हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब अब आप क्या कहोगे? मैडम हो ही नहीं सकते, जो प्रोसेस है ना, जो सिस्टम आप बता रही है, जो तरीका बता रही हैं, चाहे जिस भी, बिल्कुल मैंने वो मेडिकल साइंस उसको गलत कह रहा है, मेडिकल साइंस गलत कह रहा है, सबूत इकट्ठे किए जाएं। असाध्य बीमारियों के लिए आपने भी कहा ना, हम कैंसर नहीं इलाज कर रहे, हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन कैंसर के लिए फिर वो पेशेंट कहाँ जाएगा? मेडिकल साइंस के लिए ना, वो मेडिकल साइंस दरअसल आपके तरीके को गलत कह रहा है, डॉक्टर साहब इस बात को कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं, आज तक तो मेडिकल साइंस ने मेरे को ये बताया नहीं है कि मेरे पेट में दर्द किस चीज का होता है, बड़े बड़े डॉक्टरों से ये बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हैं, डॉक्टर ने विश्वरूपा जी बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हैं, थी तो मेडिकल ऑपरेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ी आप, क्यों नहीं आपने वो बबूत खा लेते, आप स्वयं वो बबूत ले लेते ना, आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, पड़ित पड़ती तो वो तो मैडम 5 साल से मैंने भक्ति ली है ना, 5 साल से भक्ति ली, उससे पहले ही मैडम ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, भक्ति तो मैंने 5 साल से ली है। लेकिन लेकिन वो जब से भक्ति में लीन हुई, वो कह रही कोई देवीय शक्ति नहीं है उनके पास, लेकिन बस एक नाम लेके और उसके बाद वहाँ से जो है प्रसाद के तौर पर जो दे रही है जो है, यही तो है, यही तो मरगलाना कहते हैं इसे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, नहीं डॉक्टर साहब ने बताया ना कि जनवरी के महीने में माइनस डिग्री नंबर देने की बात कर रही हैं, और जब मैं तप करती हूँ, और मई में 45 डिग्री 50 डिग्री तापमान में मैं उपरों के बीच में बैठ के अपना तप करती हूँ, करके दिखाई पड़ मैंने बहुत लोगों का देखी है। सुन लीजिए एक बार मोखरा सोमनाथ जी को सुन लियो क्या कह रही है, तप कैसे करती है? मैं जनवरी के महीने में माइनस डिग्री तापमान में बर्फ के अंदर बैठती हूँ, और मैं मई के महीने में उपड़े जड़ा के, जो कि जेठ का महीना लगता है, उनके बीच में धुने का तप करती हूँ, मिट्टी के अंदर इतनी इतनी दबती हूँ, फिर मेरी बर्फ की तपस्या चलती है, खड़ेश्वरी तपस्या मेरी चलती है, जिसके 7 ऑपरेशन हो रहे हैं, वो आदमी 8-8, 9-9 घंटे झूले के ऊपर खड़ा रहता है, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, अपने तप को इकट्ठा करके, और जब मैं दुनिया में इस तप को बांटती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु का ये वरदान है कि जब तक तू दुनिया की सेवा करेगी, जब तक तू ठीक रहेगी, उसके बाद तू ठीक नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी कहां से मिल जाती है कि उसके बाद उस शख्स ने जिसने आपके आपके कहने पर शराब छोड़ दी, उसने 10 दिन बाद शराब नहीं पी है, इस बात की गारंटी कौन देता है? उसके घरवालों से ये बात पूछी जाती है कि 1.25 महीने में इसने कितनी ड्रिंक की है या नहीं की, इसने कोई चिट्टा अफीम गांजा पिया है या नहीं पिया, उसके घरवाले इस चीज की गारंटी देते हैं कि हाँ भाई इसने नशा नहीं किया, तो ये श्योर हो जाता है कि हाँ भाई इसने नशा नहीं किया, अब इसका नशा छूट चुका है। अच्छा सोमनाथ जी एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आपने खुद अभी जिक्र किया कि आप स्मैक से छुड़वाएंगी, गांजा गांजे से छुड़वाएंगी, जो भी नशे की लत है उसी से छुड़वाएंगी, यानी वो सब सामग्री लेकर जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपसे इलाज करा रहे हैं आपके दरबार में आ रहे हैं, लेकिन ये कई चीजें इसमें से ऐसी हैं जो गैर कानूनी हैं, जिन्हें रखा नहीं जा सकता, और ये क्या गैर कानूनी नहीं है अगर आपके यहाँ वो चीजें लाई जा रही हैं? मैडम जी मेरी बात सुनिए, ना तो यहाँ तो कोई 2 ग्राम चीज मंगाई जाती है, ना कोई 5 ग्राम चीज मंगाई जाती है, शायद आपको तो पता भी नहीं होगा कि चिट्टा स्मैक होता क्या है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक राई का दाना कितना बड़ा होता है? नहीं मुझे पता है या नहीं पता है, गैर कानूनी तो वो है ना, कानून का तो वो उल्लंघन हुआ ना। मेरे को राई का दाना कितना बड़ा, क्या तो ये मैं उसको अपने पास तो नहीं रख रही हूँ, ना तो दारू को रख रही हूँ, ना चिट्टे को रख रही हूँ, ना स्मैक को रख रही हूँ, पर बंदा राई के दाने सुनिए तो मैं अपने पास तो नहीं रख रही ना किसी चीज को, ना मैं यहाँ स्मैक चिट्टा अफीम गांजा बैठा के पिला रही किसी को कि भाई आप लोग यहाँ बैठ के पीजिए, रूम के अंदर पीजिए, उनकी जो चीजें हैं उनको पढ़ के वापस दे दी जाती हैं, बबूत डाल के वापस दे दी जाती हैं, अपने घर जाके पीजिए। शुक्रिया आपका, चूंकि आपने अपनी बातें रखी और इसलिए भी स्पष्ट करना चाह रहे थे, मेरे पास समय इतना ही है। डॉक्टर आपका भी शुक्रिया, साधु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पड़ताल जारी रहे, अंधविश्वास से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि अंधविश्वास जान पर हावी हो सकता है और आपकी जान का दुश्मन भी बन सकता है। तो आपसे भी न्यूज नेशन की यही गुजारिश है कि अंधविश्वास से बचें, विश्वास और आस्था को कायम रखें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।